हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह से मैं थोड़ा बिजी थी, मैंने व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया था बट मैं आपसे बात नहीं कर पा रही थी। सो अब मैं फ्री हो गई हूँ। मैंने मैंने और बाबू दोनों ने शावर ले लिया है, दोनों नहा चुके हैं। मैं उसे अब सुलाऊंगी बस। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैंने इस व्लॉग का टॉपिक क्या दिया है, तो मैं बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या। सुबह मैं और विशाल चाय पी रहे थे सोफा पे, तो मेरी जो काम करने वाली है डीना दी, वो झाड़ू लगा रही थी और सडनली वो बोली कि जब वो कचरे को उठा रही थी, कलेक्ट कर रही थी, उसने सडनली बोला कि भाभी ये सांप का केचुल, हमारे केचुल बोलते हैं, आई मीन सांप का स्किन कह लो आप, ये सांप का स्किन भाभी कैसे आया है घर में। तो आई वॉज लाइक कि कुछ और होगा, किसी चीज़ का कुछ स्टिकर वगैरह बाबू निकाली होगी कहीं से, किसी सामान वगैरह से। शी सेड नहीं नहीं भाभी ये तो नहीं नहीं भाभी ये तो सांप का ही स्किन है। फिर मैं उठी सोफा पर से और मैंने देखा जो वो कचरा उठा रही थी, लिटरली वो सांप का ही स्किन था गाइज। वो इतने बड़े सांप का रहा होगा, बच्चे का ही था, मतलब सपोला जिसे कहते हैं, इसका स्किन था वो। एंड आई वॉज लाइक स्पीचलेस, क्योंकि घर में मेरे बच्चा है, वो अभी मैं यहाँ बैठी हूँ और वो जाकर सोफा पे बैठी है, कब कहाँ होती है, एनी टाइम मेरे पास, मेरे साथ नहीं होती है, तो मेरे लिए ये टेंशन दुगनी हो गई थी क्योंकि मेरे घर में बच्चा है। तो फिर 10 मिनट तो हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, मैं और विशाल, क्या कर सांप कहाँ से आ सकता है, कैसे सांप घर में, सांप फर्श पे नहीं चल सकता, वो स्लीपी सतह पे नहीं चलता है सांप, तो हमें लगा कि वो घर के अंदर तो नहीं आया, ये पक्का बालकनी का सीन है, बालकनी में कुछ ऐसा है। तो ये छोटी वाली बालकनी, ये बालकनी है, ये तो बिल्कुल क्लीन है, कुछ नहीं है इस बालकनी में। ये वाली हॉल वाली बालकनी है, वो भी बिल्कुल क्लीन है, बस चार पांच गमले हैं उसमें। पहले वॉशिंग मशीन था बट चूहे आते थे, इस वजह से मैंने वॉशिंग मशीन हटा लिया, चूहे ने वायर काट दिया था, ये भी मैंने एक ब्लॉग में आप लोगों को बताया हुआ है। तो देन बारी आई थर्ड बालकनी की, तो हमने सोचा कि उस बालकनी में थोड़ा सा मेस हो रहा है, क्योंकि हमारा, हम यहाँ पे इस फ्लैट में, हमें हुआ है अभी 1 साल हो जाएंगे, इस 13 अप्रैल को हमें 1 साल हो जाएंगे पूरे, तो अभी तक ऐसा कुछ साफ वगैरह तो लगा भी नहीं, सपने में भी नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। तो जब हम शिफ्ट हो रहे थे तो हमारा जो एक्वेरियम था, फिश टैंक, वो ये हो गया था, थोड़ी सी दरार आ गई थी उसमें, तो हमने उसे फिर यूज़ नहीं किया, उसे बालकनी में रख दिया, वो पीछे वाले बालकनी में जिसमें मैं नॉनवेज भी बनाती हूँ। एक ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया है कि मैं नॉनवेज बालकनी में बनाती हूँ, तो उसमें वो जो एक्वेरियम रखा हुआ है, काफ़ी बड़ा एक्वेरियम है वो, तो उसमें मैंने कुछ कुछ ऐसे ही थैला, पॉलीथीन वगैरह, वो आटा वगैरह का जो पॉलीथीन आता है, ये सब रख रखा है, और कुछ मतलब वेस्ट ही है। मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैं पूरे घर को चेक करने वाली हूँ अच्छे से, मुझे इधर तो कोई डाउट नहीं है, मैं उस बालकनी को ही चेक करूँगी, मैं इधर उधर देख लूँगी वैसे भी, बट उस बालकनी को मैं अच्छे से चेक करूँगी, क्योंकि या तो वो जो पाइप जाती है ना बालकनी से, जो नाली वगैरह जाती है कि बारिश का पानी अगर आए तो वो उस नाली से निकल जाए, बालकनी से बाहर चला जाए, तो मे बी वो उससे चल कर आया, क्योंकि वो काफ़ी पतला सांप था, इतना बड़ा सांप था, मतलब सांप का स्किन था, तो या तो वो उससे चढ़ कर आया है, तो वो मुझे देखना पड़ेगा, मैं पूरा घर चेक करूँगी कि मेरे घर में बच्चा है तो नहीं। मैं तो भाई बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि घर में सांप का स्किन मिला है, तो मैं सब चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ अब। और ब्लॉग मैंने वैसे भी स्टार्ट कर दिया था, वैसे भी मैं सोचती थी कि ब्लॉग बनाऊंगी, बट अचानक से ये सब हो गया, मैंने सोचा कि चलो आज मैं पूरा घर चेक करूँगी और ब्लॉग भी बना दूँगी। तो चलिए देखते हैं, घर का सारा कोना चेक करते हैं, पता नहीं क्या मिलने वाला है। सेफ्टी के साथ डंडा लेकर जाऊँगी, तब चेक करूंगी सारा बालकनी और जो भी है। चलिए देखा जाए कि आखिर क्या प्रोबेबिलिटी है, कहाँ से वो आया, कैसे आ सकता है। और दूसरा चीज ये कि अभी बहुत ज्यादा हवा चल रहा है, बहुत ज्यादा, पता है गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है,
तो इस टाइम बहुत ज्यादा बाहर हवा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रीम, बड़े बड़े पॉलिथिन पांच पांच फ्लोर तक उड़ते हैं, फिफ्थ फ्लोर तक उड़ते हैं, बट उतना भी हवा नहीं चल रहा है। अगर वो हवा से आया है मेरी बालकनी में, मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। तो मैं सारे सीन को देखती हूँ कि आखिर क्या हो सकता है, मतलब क्या चांसेस है, फिर देखते। और मैं अगल बगल भी पूछूंगी, मैं बगल के फ्लैट में भी पूछूंगी कि कुछ ऐसा कभी हुआ है, मतलब कुछ सांप वाप का तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आता जाता है घूमता है। चलिए देखा जाए, चेक किया जाए सारा। तो गाइज आपने देखा, अब आई मीन मैं इतना ऐसा कांप रही हूँ, सुना? वो हमारी बालकनी में रह रहा है। ये देखो, ये खेल रही है, इससे डर लगता है। पता है ये कहीं कहीं ऐसे ही खेलती रहती है। मेरी टेंशन इतनी ज्यादा हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ गाइज। मैं घर के सारे विंडोज एवरीथिंग क्लोज कर दूंगी अभी। मुझे विशाल को आकर इस चीज को मुझे बहुत सीरियसली लेना होगा। वो पूरे वो बेबी स्नेक नहीं था। आई एम मिस्टेकन, वो बेबी स्नेक नहीं था, वो पूरा बड़ा सा स्नेक का है वहाँ ऑलरेडी। और वो छोटा टुकड़ा रीना दी को झाड़ू में मिला था, झाड़ू लगाने में, और बाकी का सारा पोर्शन उसके अंदर, हमारे एक्वेरियम के अंदर है, जो मैंने बालकनी में रखा हुआ है। टूट जाने की वजह से उसे यूज नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा डर लग रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे ये बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। मैं विशाल को दिखाऊंगी। मैं इनफैक्ट अभी जस्ट मैं कॉल करके बताने वाली हूँ विशाल को कि वो, माय गॉड, आई हैव नो वर्ड्स। ठीक है गाइस, मैं आपसे शाम में मिलती हूँ। मैं बाबू को सुला लेती हूँ और मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, तो प्लीज़ इस व्लॉग में बने रहना। मतलब मेरा तो ऐसा जी घबरा गया ना इस चीज को देखकर, मेरा बिल्कुल जी घबरा गया है। चलो गाइस मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम बैक, और वो जो प्रॉब्लम हुई थी सुबह सुबह वो शॉर्ट आउट हो चुका है। विशाल घर आए तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा पीछे सीन, एक्चुअली मैंने फोन पे ही बोल दिया था। तो जब वो आकर देखी, सब कुछ अच्छे से देखा कि मतलब कैसे कहाँ से सांप आया है या जो भी है, तो फाइनल ये कंक्लूजन निकला, हमें ये पता चला कि जो एसी का आउटडोर होता है, जो बाहर की तरफ होता है घर से कमरे से, वो उस पे चिड़िया का घोंसला था, जो कि वो गिर गया था और एक्वेरियम में ही गिर गया था। तो वो चिड़िया ही लेकर आई थी, और शायद उसने घोंसले में ही उसको घोंसला बनाने वाला ही चीज समझ लिया था, या आई डोंट नो, मतलब जो भी रहा हो, तो वो चिड़िया ही लेकर आई थी, क्योंकि कोई चांसेस नहीं है। मैंने बगल के फ्लैट में भी पूछा तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ऊपर के फ्लोर पे किसी के सांप वगैरह निकला हो। तो यही चांसेस है कि चिड़िया उसको लेकर आई थी, घोंसले में उसके था रखा हुआ वो, और वो सीधे नीचे गिर गया था। उसमें घोंसला मतलब सूखे हुए पौधे वौधे थे, और सांप का ये था, कुछ कपड़े के टुकड़े थे। तो 90% चांसेस है कि वो चिड़िया ही लेकर आई थी। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, बहुत राहत मिला मुझे कि चलो कम से कम, मुझे तो लगा कि वो सब कुछ हटते ही ऐसा होगा कि बेबी स्नेक, मदर स्नेक, फादर स्नेक, ग्रैंडपा, ग्रैंड मदर सारे ना निकल आए, और एग वगैरह ना निकल आए, सांप का घर ना बन गया हो। तो मैंने वो सारा मेस खत्म कर दिया वहाँ से, सब कुछ हटा दिया, सब कुछ फेंक दिया, जो भी फालतू था, कुछ कुछ सामान वगैरह, कुछ बॉटल्स थे, कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी उसमें। तो अब मैं उस स्पेस को क्लीन रखूँगी, और चिड़िया को तो कोई नहीं रोक सकता है, बट वो चिड़िया ही लेकर आई थी, वो जो नीचे गिर गया था, क्योंकि कोई चांसेस नहीं है। काफ़ी वो बड़े स्नेक का था, आई मीन कम से कम 1.5 फिट 2 फिट के स्नेक का वो रहा होगा। हाँ, 1.5 फिट का
वो था केचुल, तो अब चलो वो खत्म हो चुका है प्रॉब्लम। तो अभी शाम के 4 बजे है, मैं इवनिंग स्नैक्स कुछ बनाने जा रही हूँ। तो कुछ क्या, मैं चाउमीन बनाने जा रही हूँ, थोड़ा सा बाबू पसंद करती है, मैं ढेर सारे वेजीज डालकर उसे थोड़ा सा हेल्दी कर दूंगी, क्योंकि चाउमीन वैसे कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत स्मॉल अमाउंट में थोड़ा बहुत कभी चलता है। तो वो बनाते हैं, तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई है। तो गाइज, मैंने बाबू को इवनिंग स्नैक्स इसका दे दिया है, एंड सी इज हैविंग दैट राइट नाउ। तो और मेरी वीडियो एडिटिंग ये कंप्लीट हो चुकी है, और मैं इस व्लॉग को अब एंड कर रही हूँ। इस व्लॉग को मैं अब एंड कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, हमेशा मैं यही बोलती हूँ जो भी है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, कर बोलती हूँ सब्सक्राइब कर देना, पर सब्सक्राइब कोई करता नहीं। खैर, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।